तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार के बिंटोला में एक मकान में शीला देवी नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बिंटोला में एक घर में आग लग गई है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले पड़ोसी लोग आग बुझा चुके थे, जहां पर एक महिला मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसकी पहचान शीला देवी पत्नी स्वर्गीय विश्वनाथ निवासी जाफरा बाजार बिंटोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण सिलेंडर का पाइप जला बताया गया, लेकिन अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, बाहर निकाला गया। कल शाम को लगभग 5:30-6 बजे के आसपास सूचना आई कि एक जाफरा बाजार बिंदु टोला में एक घर में आग लग गई है, जिस पर पुलिस पहुंची। तो पुलिस के पहुंचने से पहले पड़ोसी लोग आग बुझा चुके थे। एक महिला मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी थी और आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उसकी जांच की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चूँकि आग लगी थी तो आग लगने के कारण सिलेंडर का पाइप जल गया था, जबकि सिलेंडर में कुछ और गैस ना तो सिलेंडर से गैस लीकेज के कारण आग लगना नहीं प्रतीत हो रही है। आगे उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ स्पष्ट होगा क्या होगा, और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है।